एक कुत्ते का डेथ भी हो गया था वो पेट्रोल डालने के वजह से पहले। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लगा रहे हैं आपके साथ, अगर आप भी आगे के बढ़ रहे हैं। कोई नहीं आया था, कोई डाउट नहीं। डॉक्टर को बताया था ना, उसने बोला इस पे पेट्रोल फेंक दो थोड़ा सा। डॉक्टर ने बोला पेट्रोल? हाँ। तो आपका पता नहीं क्या कौन सा डॉक्टर ने डाला या नहीं? यहाँ का नहीं है ना, प्राइवेट बंदे ने डाला किसी ने। वो जख्म पहले इतना सा किसी ने काटा था ना कुत्ते वगैरह ने, तेल डाला, कीड़े मर गए थे इसको, इसके सारी। उसके बाद मैंने कल परसों देखा था, उस दिन कॉल की थी भाई को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया था ये जख्म। डॉक्टर ने तो पेट्रोल डालने के लिए बोला, और पेट्रोल किसने डाला था उस टाइम? लड़का था डॉक्टर के साथ। अच्छा, उसने डाला तो कोई बांधता नहीं था, और फिर कोई कोई खाना डालता है इसको। अच्छा, हम किसी से पूछ के वो डॉक्टर के बारे में पता करवा सकते हैं क्या? डॉक्टर यहाँ तक नहीं था ना, तो पता होगा ना कुत्ता, मतलब उसको लगी थी ना, तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला पर वो मर गया था। कौन से दुकान है तुम बताओगे? बताऊंगा, बिकॉज अच्छा रहेगा ना, वो फिर से नहीं डालेगा वो किसी और के ऊपर। Yes. एक डॉग को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था ना, पेट्रोल निकाल कहाँ? उनका नंबर है क्या आपके पास? जो कुत्ते को लगी नहीं थी पेट्रोल डाला है। हम वो ट्रीटमेंट करने आया था, हमारा डॉक्टर पूछ रहा था। नहीं यार, नहीं क्या हां तो हां, कोई डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर ने तो बोला डॉक्टर वाला डॉक्टर वो डंगरे वाला डॉक्टर है, तीन थोड़ी बोलिया ये मिंज टिंचरा टीम की साहब थैंक यू थोड़ी दी वो थैंक यू किसने बोला? खुद ने फेंका था हम लोगों ने, डॉक्टर डॉक्टर कोई नहीं था। डॉक्टर कौन होएगा, कोई नहीं होता तो डॉक्टर इलाज नहीं कराते। नहीं नहीं, वो लोग बोल रहा था उधर, वो डॉक्टर हम लोगों ने फेंका था खुद, पता नहीं वो फेंक के हो जाता है थोड़ा और खा पड़ गया, बट दाव पड़ गया ना वो पेट्रोल। हाँ। पेट्रोल नहीं डालना है ना, बोल रहे थे लोग तो डाल दिया था, लड़का था उसने डाल दिया बंगाली, बट नहीं डालना है ना। जैसे एक वो बंदा बता रहा है कि एक कुत्ते का डेथ भी हो गया था वो पेट्रोल डालने के वजह से पहले। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लगा रहे हैं आपके साथ, अगर आप भी आगे के बढ़ रहे हैं। कोई नहीं आया था, कोई डाउट नहीं। कुत्ते का गाँव बढ़ गया ना वो पेट्रोल डालने के वजह से, ये बोले वो नहीं डालना है। अगले बार से बस मत डालना वो, अगर कुछ जरूरत है मेरे कुत्ते को अगर नहीं डालेंगे बढ़ जाएगा। हाँ, किसी का डॉक्टर या किसी को कॉल कर देना। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये एक चीज़ जानवरों के साथ उन लोगों से हो रही है जो जानवरों की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जितना हो सके प्लीज़ उसको शेयर करिए। ये आपको वहाँ का लोकल एरिया का डॉग है या अचानक आपको दिखा है? We don't know ये क्या है, आज अचानक मैंने गाड़ी पार्क करी तो वो फिर स्कूटी वगैरह के आगे आ गया था। इस डॉग के लिए हमें सबसे पहले खोली से कॉल आया था, फिर कचहरी से आया था, फिर कांगड़ा से, एक ही दिन में तीन बार आया। हम लोग लेने गए तब ये डॉग हमें मिला नहीं। हल्का सा टूटा है इसका, हम अभी स्प्लिंट करेंगे, साथ में पेन किलर के और नर्व्स की इंजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। क्या हुआ बच्चे? ऐसा लग रहा है मेडिटेशन कर रही है ये। कौन सा योगा है बताओ, कौन सा पोज है ये? सर ये गाड़ी के नीचे आ गई थी, एक्सीडेंट हुआ है। आपको पता है कब हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ? कल हुआ? हाँ, कल हुआ था। हमने बुलाया था डॉक्टर को वहाँ पर, वो बोल रहे थे कि पालमपुर तक आपको जाना पड़ेगा अगर हो सके। मुश्किल, ये पूरी हड्डी टूटी है, ये भी टूटा है, ये भी है, स्पाइन भी गया है, अंदर का ऑर्गन भी बाहर आने लगा है, नर्व्स भी डैमेज्ड है, और पीछे का एक पैर तो हड्डी तो पूरी अलग हो गई उसकी। प्रेग्नेंट भी है डॉग। बच्चे मरे नहीं होंगे तो मर जाएंगे क्योंकि इतना इन्फेक्शन। अगर हम इसको कोशिश भी करते हैं अभी अगर, तो मेडिकेशन भी कर नहीं पाएंगे प्रॉपर, और इसका वैसे ही प्रोग्नोसिस 1% वाला ही समझने वाली स्थिति। बच्चे अंदर मर गए तो इन्फेक्शन होगा, ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन है क्योंकि पेट का हिस्सा पूरा फटा हुआ है, तो बेसिकली कुछ किया ही नहीं जा सकता इस जगह में। सुलाने वाला जो मर्सी के लिए वो सजेस्ट मैं करूंगा आपको। एटलीस्ट ये रोड पे जो अकेले सफ़र कर रही होती है, जो पेन झेल रही होती है, एटलीस्ट उससे इसको बचाया जा सकता है। आपको लगता है कि आप और कहीं लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल, हमारे तरफ से कोई वो नहीं। आप कह रहे हो कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है? नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है अपनी डेथ से जाए तो वो जाएगी, अपनी डेथ से ज्यादा दिन नहीं होगा, लेकिन चाहे वो 5 दिन बाद जाए 10 दिन तब तक तकलीफ में रहेगी, पेनफुल डेथ होगी अगर कुछ नहीं। हां मैं वही तो कह रहा हूं जी, आपने मैम इतना के यही बोलता हमारे लिए
अगर हम तभी कल अगर ले आ सकते तब हो सकता था, फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके प्रेगनेंसी पे आ प्रेगनेंसी पे हां और नहीं इसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। ये जो है आप देखो ना वो पूरा पैर ही चाहे आप किसी को दर्द से बचाने के लिए उसकी जान ले रहे हैं अच्छा तो कभी भी महसूस नहीं होता, पर इन लोगों ने बगैर ये सोचे कि वो खुद कैसा महसूस करेंगे इस बात को प्राथमिकता दी कि भाई अगर इसको हम अपनी तसल्ली के लिए कुछ और दिन जिंदा रखते हैं तो वो कितना दर्द महसूस करेगी। उठ नहीं रहा है, उठाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। जब हम सुबह आए थे तो ये थोड़ा ढीला लग रहा था और साथ में इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी डायरिया भी था। डायरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है और डायरिया के लिए हमने मेडिकेशन दे दी है और डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए हम इसकी फ्लूड थेरेपी कर रहे हैं। इसका सिचुएशन अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जब हम इसको फर्स्ट टाइम ट्रीट करने गए थे तब ये अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे ले आए। उसके बाद हमने जब टेस्ट वगैरह किए उसमें पता चला कि इसमें इसको टिक फीवर भी है और प्लस उसके यूट्रस में भी इन्फेक्शन, और यूट्रस का इन्फेक्शन खत्म हो गया है, फीवर भी डाउन आ गया और एक्टिव भी हो गया। अभी ये वॉक कर पा रही है, जहाँ से हम इसको लेके आए थे वहीं पर रिलीज कर रहे हैं। कॉलर जो है उनके, उनको हम मेडिकेशन पकड़ा देंगे। छोटे बच्चे नाली में गिरा हुआ था, बहुत ठंडा है इसका शरीर, बहुत छोटा है, किसी ने रिलोकेट किया इसके लिए, माँ कहीं और, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर इधर उधर। छोटे बच्चे को भूख लग रही है, बेबी मिल्क का पाउडर आता है वो ही हम ट्रीट करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड रखते हैं क्योंकि इनको पचता नहीं है माँ के दूध के अलावा। बच्चे पीना तो पड़ेगा थोड़ा सा, और मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे, बस बस हो गया। मेरी तो कुछ शुशु आ गई, बहुत सारी शुशु आ गई। इसको हम ब्लोअर के पास रखेंगे, बाहर काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट धूप पड़ती है, ऊटी में थोड़ा सा इन्फेक्शन फ्री जोन है, अच्छे से डीप क्लीन हुआ हुआ है, तो हम इसको छोटे से पपी को वहीं पे रखेंगे ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब बच्चे जब तक माँ की गोद में है ना तब तक तो वो स्पेशल महसूस करते हैं, जब वो दुनिया में जाते हैं फिर वो अनवांटेड महसूस करते हैं, और हम में से कई लोग तो दुनिया में अपनी जगह बना लेते हैं, पर जो बेचारे ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए तो बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो। हमी जाते और बच्चे हो उसको, इतनी जल्दी क्यों करा रहे? अभी ये 3 महीने के तो बच्चे हो गए और अभी ये दूध भी नहीं पी रहे हैं इसका, तो अभी हम लोग बच्चों को वैसे भी अडॉप्शन भी होती जा रही है, 2 ही बच्चे हमारे पास है उनको हम लोग अलग कर दिए हैं, बाकी गए। तो अब इसकी सर्जरी भी हो जाएगी तो इसको वापस रिलीज कर देंगे। कितना दिन रहोगे यहाँ वैसे भी? हाँ? उसके पॉज में छोटे फ्रैक्चर्स थे, वुंड भी था काफ़ी, हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के इंजेक्शन और साथ में उसकी रेगुलर ड्रेसिंग कर दी थी शुरू। उसके आईज़ में कुछ दिक्कत भी थी तो हमने उसके लिए आई ड्रॉप्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। उसके टिक्स तो थे लेकिन ब्लड टेस्ट जब हमने किया तो उसमें कोई उसका इन्फेक्शन नहीं आया। सुबह आए तो सत्या भी डेथ हो चुकी थी, डॉग का इशू चल रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेत खा रही थी जिसकी वजह से हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। स्नेल्स का क्या करेंगे सर, पूरे फार्म में हर जगह स्नेल्स हैं, लंग वॉर्म के कैरियर ही स्नेल्स हैं, उनका फीडिंग बोल भी अलग ही रहता है ना, अंदर ही रहता है, तो स्नेल से जो स्लाइम जैसा निकलता है ना कई बार, जैसे फीडिंग बोल में वो स्नेल चिपक जाते हैं कई बार, तो उसमें भी उसके एग्स होते हैं। जब हमने पोस्टमार्टम किया तो हमें पता लगा कि उसके स्टमक में कपड़े के पीसेस हैं और कपड़ों के पीसेस की वजह से उसका स्टमक एकदम ब्लॉक हो गया था। उसके इंटेस्टाइन से छोटे छोटे स्टोन्स के 2 पीसेस भी मिले और लंग वॉर्म्स भी थे। ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब की वजह से उसकी डेथ हुई है। इसके लिए तो कोई अडॉप्शन कॉल कोई आई भी नहीं हमें सर, कॉल आती आ रही थी शुरू में ब्रीड देख के, लेकिन फिर हमने अडॉप्शन को रुकवा दिया था क्योंकि बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जैसे सलोनी ट्रीट से खिला रही है उसको, वो खाया पहले फिर अचानक से उसके हाथ पर अटैक कर। तो ऐसे तो नहीं काटेगा, ऐसे आपको लगेगा नॉर्मल है, इसको वॉक पे लेके गया था गौरव, लेके आगे और अचानक पता नहीं इसको क्या हो रहा, उसने इसकी पैंटी पकड़ ली। हमने इसकी सर्जरी कर दी है, कोई इफेक्ट नहीं आया सर, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मतलब कोई साइकोलॉजिकल इशू ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स की वजह से ये टेंपरेरीली एग्रेसिव है? हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि फ्रेंड शुरू में करते हैं डॉग्स ऐसा, लेकिन हम इतना टाइम हो गया इससे फ्रेंडली होने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। तो अभी इसको हम रिलीज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इररिस्पॉन्सिबल है, ये सड़क पे जाके काटेगा किसी को, जाएगा इसके पास खुद ब्रीड देख के, क्योंकि लोगों को रहता है कि बाहर ब्रीड दिख गई घर ले चलते हैं, जब ये उन पर अटैक करेगा उसके बाद मारेंगे इसको। ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम इसको रिलीज करेंगे, जो इसके साथ होगा सो होगा, और कुत्तों के साथ होगा
हमें भी लोग कहेंगे कि आपको पता था ये ऐसा आपने रिलीज क्यों किया, अब हम यहाँ पे परमानेंट तो नहीं रख सकते, लेकिन वो उस समय नहीं समझेंगे, जिसके बच्चे को काटा होगा वो नहीं समझेगा ना कि भाई हमारा कुत्ता थोड़ा है। ठीक हो जा, सुधर जा। अगर इसने गुरु को काट लिया होता ना अभी तो एकदम डील सील हो जाती, गुरु को काटा नहीं ना इसने अभी। गुरु थोड़ा टाइम रहोगे तुम यहाँ? कम ऑन भाई, तुम निकलने का ट्राई करो, प्लीज भी लेके दिखा दोगे तो भी कैमरा भी गिरेगा काटेगा तो ये। आ जा जल्दी। आतंक है यार इसका तो। अब क्योंकि मॉप पूरी तरह ठीक हो चुका है, इसको हम यहाँ पे रख नहीं सकते, इसके बिहेवियर इश्यूज की वजह से हम इसको अडॉप्ट भी नहीं करा सकते, और अगर हम इसको वापस रिलीज करते हैं तो ये 100% किसी को काटेगा, और इसको तो लोग पीट पीट के मारेंगे, इसके साथ 4-6-8 कुत्ते और मारे जाएंगे, जैसा केरल में बड़े पैमाने पे हो रहा है। भाई एक किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया, उसके नाम पे सारे कुत्तों को कठखना करार कर दिया गया, और अब उन्हें वो लोग बुरी तरह पीट पीट के मार रहे हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर डॉक्टर्स कह दे कि एक डॉग एग्रेसिव है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम यूथनाइज कर दें, जैसा कि वाइल्ड लाइफ के केस में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए आदमखोरों के साथ किया जाता है।